तो जम्मू एंड कश्मीर का ऐसा मुद्दा है ना कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान हमेशा से यहाँ पर हुड़ता रहता है कि कश्मीर मेरा है, लद्दाख मेरा है, ऊपर का जितना पार्ट से है वो सब मेरा है। लेकिन सच में क्या है, पाकिस्तान का है या फिर हमारा है? देखो दोस्तों, यहाँ पर सिचुएशन आज ऐसा बन गया है ना, और ऐसा होने वाला है कि जम्मू एंड कश्मीर का बंटवारा फिर से होने वाला है। जम्मू को अलग किया जाएगा कश्मीर से, और कश्मीर को अलग किया जाएगा जो POK है, ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उससे। और यहाँ पर मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर जैसा कि न्यूज निकल के आ रहा है अमित शाह के द्वारा, जो पब्लिश किया गया रिपोर्ट है उसके द्वारा। तो यहाँ पर सबसे पहले सवाल उठता है, पाकिस्तान के पास कितना जमीन जो है ऑक्यूपाइड किया गया कश्मीर के अंदर, कितना परसेंटेज चाइना ने यहाँ पर कश्मीर में ऑक्यूपाइड किया है, और सच में क्या इतना इंपॉर्टेंट लगता है कश्मीर हमारे लिए या पाकिस्तान के लिए, इसलिए पाकिस्तान बार बार यहां पर घूरता रहता है कि हमें चाहिए हमें चाहिए। क्या सच में इतनी जरूरत है? और देखो यहां पर 2019 जब BJP का इलेक्शन था, उसमें मैनिफेस्टो में यहां पर कहा था कि हम कश्मीरी पंडित को कश्मीर के अंदर ले आएंगे, जो रिसेटलमेंट है उसको हम सुधारेंगे, और यहां पर जितने भी हैं ना कश्मीरी पंडित उसको लाएंगे, आर्टिकल 370 को 35 को हम हटा कर रखेंगे। और बीजेपी ने ऐसा किया भी, आर्टिकल 370 एंड 35 को बहुत जो पेंडिंग काम था उसको हटाया भी। लेकिन यहां पर जो अब क्या बाइफर्केशन किया जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर को अलग किया जाएगा, डिमांड किया जाएगा कि जम्मू को अलग एक स्टेट हुड दिया जाए, यहां पर स्टेट बनाया जाए, क्यों जम्मू एक बहुत ज्यादा पीसफुल रीजन है। लेकिन कश्मीर को अब डिवाइड करके ऑक्यूपाइड को अलग किया जाएगा और कश्मीर का अलग सेशन बनाया जाएगा, कैसा किया जाएगा? और यहां पाकिस्तान को इसी को लेकर चिंता है, चैलेंज में आ गया है, और क्या इसका प्लान है, सरकार अब क्या सोच रही है, तो ये जानते हैं। सो लेट्स मेक इट सिंपल फॉर यू। पसंद आ रही ना वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को दबा देना है। तो दोस्तों यहाँ पर डॉन का रिपोर्ट देख सकते हो, जो पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट है, यहाँ पर इस रिपोर्ट में पब्लिश किया है कि मंडे को यहाँ पर जो रिपोर्ट आया था, क्या बताया कि जो पाकिस्तान है ना वो बौखलाया हुआ है, क्योंकि इंडिया पे एक्शन लेने वाला है ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर यहाँ पर, और ज़्यादा यहाँ पर ट्रूप्स मिलिट्रीज जो है वहाँ पर ज़्यादा कुछ सेटल किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपसे पता है कि यूरी सर्जिकल स्ट्राइक आपने मूवी देखा, कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर इंडिया जम्मू एंड कश्मीर को बंटवारा करेगा, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको बंटवारा करने वाला है, और इसी चलते यहां पाकिस्तान टेंशन में आ गया कि ऐसा करना सही है या नहीं सही है। और यहां पर पाकिस्तान के जो स्पोक्स पर्सन है उनका कहना है कि यहां पर इंडिया ने इलीगली जम्मू एंड कश्मीर को ऑक्यूपाई किया हुआ है, और जिस कारण से पाकिस्तान को दिक्कत हो रही है, डिवीजन करने वाला है इंडिया, यहां पर सोच रहा है कि जम्मू को अलग कश्मीर को अलग, यहां पर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर उसको अलग, इसी के चलते यहां पर कह रहा है कि डिवीजन नहीं करना चाहिए, इलीगली है, यहां पर डिस्प्यूटेड एरिया है। कि सच में ऐसा करना सही होगा या नहीं सही होगा, आप कहो बताना, आपका क्या सोचते हो, आप क्या ओपिनियन रखते हो, जरूर से बताना। पाकिस्तान के कहने पर बॉचकी ने यहां पर स्टेटमेंट दिया, क्रिटिसाइज किया इंडिया का, कि इंडिया बहुत गलत काम कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, क्योंकि ये इंडिया का पार्ट नहीं है, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो इसी पर तो बवाल मचता है। एंड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बहुत सारे मिलिट्री ट्रूप्स भेजे जा रहे हैं, बहुत सारे जो मिलिट्री जो है वो जमा किए, क्योंकि यहां पर इंडिया एक मेजर डिसीजन लेने वाला है यहां पर जम्मू एंड कश्मीर को लेकर। और आपको पता है जो JNK के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा और यूनियन मिनिस्टर यानी हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के बीच बैठक हुई, उस बैठक में कहा कि जम्मू एंड कश्मीर को लेकर यहां बहुत बड़ा डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि यहां पर डिमांड किया जा रहा है कि जो जम्मू है ना उसको स्पेशल एक स्टेट बनाया जाए, एक स्टेट बनाया जाए, क्योंकि यहां पर जो वहां के पार्टियां वो डिमांड कर रही है, प्लस में जो कश्मीर है उसको अलग किया जाए, क्योंकि कश्मीर के जो है विवादित मुद्दा है, और उसको में भी जो विवादित मुद्दा है उसको अलग किया जाए, उसका जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको भी अलग किया जाए, यानी इस तरह से डिवीजन किया जाए तीनों को। लेकिन दोस्तों यहां पर जब मीटिंग दिल्ली में हो रहा था, तो यहां पर जो AK बाला होम सेक्रेटरी, अमित शाह यूनियन होम मिनिस्टर और मनोज सिन्हा, उनकी जब मीटिंग हुआ उसके बाद रूमर्स निकल गया है ना कि यहां पर अब जो जम्मू एंड कश्मीर को दो भाग में डिवाइड किया जाएगा, जम्मू के एक स्टेट बनाएगा, स्टेट बनाएगा, और जो कश्मीर है ना उसको दो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया जाएगा। पहला टेरिटरी जो होगा कश्मीरी पंडित है उनके लिए, जो 1990 छोड़ के चले गए थे बाकी देशों में रह रहे हैं, तो उनको फिर से रीसेटलमेंट किया जाएगा वहां कश्मीरी पंडित को एक यूनियन टेरिटरी में, और जो एक जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है थोड़ा सा जो विवादित एरिया है उसको यहां पर अलग यूनियन टेरिटरी में जाएगा। तो इसी को चलते यहां पर पाकिस्तान को लेकर मिचाई लगा हुआ कि पाकिस्तान ऐसा सोच रहा है कि यहां पर इंडिया ऐसे कैसे कर सकता है, और इसको लेकर कभी यूनियन में तो कभी इसको लेकर तो कभी उसको लेकर मतलब हल्ला होल करता रहता है। लेकिन ऐसा मैं नहीं बोला, बहुत बड़े न्यूज आर्टिकल्स पर मीडिया रिपोर्ट्स बोला कि जम्मू एक पीसफुल जगह है जहां पर टूरिस्ट पूरी दुनिया से लोग आते हैं देखने के लिए, घूमने के लिए। इसी के चलते यहां पर जम्मू को एक स्टेट बनाया जाए, कश्मीर को दो भागों में डिवाइड किया जाए, एक कश्मीरी पंडित के लिए और दूसरा अलग किया जाए, तो अब दो यूनियन टेरिटरी बनकर निकल के सामने आने वाले हैं। तो दोस्तों मैं यहां पर याद दिलाना चाहूंगा बीजेपी के मैनिफेस्टो 2019 में जब जम्मू कश्मीर का इलेक्शन था, उसमें यहां पर बीजेपी ने क्या भाषण में घोषणा किया था कि हम ये देंगे। पहली था जो रिटायरमेंट है रिसेटल किया जाएंगे,
स्कॉलर्स उनको किया जाएगा। प्लस दूसरा था मेन मुद्दा था जो कश्मीरी पंडित है जो बाहर के जो कंट्री में बाहर एक जो स्टेट में रहने लगे उनको वापस रिसेटल किया जाए कश्मीर के अंदर। तीसरा था कि आर्टिकल 370 को हटा दिया जाएगा। वो ऐसा किया भी गया, ऐसा सरकार के द्वारा बीजेपी द्वारा किया गया और यहाँ पर बीजेपी ने अपने वादों पर मुकरी और यहाँ पर फिर से यहाँ पर एक अच्छा काम करने जा रही है कि जम्मू को एक स्पेशल स्टेट बनाने जा रही है और कश्मीर को दो यूनियन टेरेटरी में डिवाइड करने जा रही है। तो जो बहुत बड़ा क्योंकि इससे ना संभालने में और ईजी हो जाएगा, पाकिस्तान को दिक्कत करने में हुरने में और ज़्यादा मजा आने वाला है क्योंकि इससे ना पाकिस्तान बौखला जाएगा और पाकिस्तान बौखलाया हुआ भी है। और पाकिस्तान बार बार इतना गुस्सा क्यों रहता है तो देखो पाकिस्तान को लेकर क्या है, पाकिस्तान को छोटे से पार्ट्स के लिए यहाँ पर दिक्कत करता है। पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि जो उनका जीडीपी आजकल बढ़ रहा है भाई, जो पैंडेमिक सिचुएशन सुधार रहा है इसका से उनका जीडीपी आजकल इंक्रीज कर रहा है 4% 3% से। आईएमएफ ने भी कहा है, उनका जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसने भी कहा है कि यहाँ पर जो है ये पाकिस्तान का जो इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, अभी इंडिया का यूएस का भी थोड़ा सा डाउन चल रहा है लेकिन अभी आपका जीडीपी जब ग्रो कर रहा है इकॉनमी ग्रो कर रहा है तो उस पर ध्यान दो ना भाई, बाकी क्यों फालतू चीजों पर क्यों ध्यान देते हो। लेकिन ऐसा सुनने वाला तो पाकिस्तान है नहीं और यूएस मैगजीन में ऐसा किया और यहाँ पर पाकिस्तान को सुना जाएगी जो वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जो उठ रहे ना बढ़ रहे ना उसको कम करो भाई, उस पर ध्यान दो, अनएम्प्लॉयमेंट जॉब दो अपने यहाँ के लोगों को जो जॉब्स हैं स्टूडेंट्स उनको अपॉर्चुनिटी दो, पर बाकी चीज़ों पर ध्यान देना सच्चा कि अपने पर ध्यान दो ना भाई, ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाओगे। तो यह सवाल उठता है कि पाकिस्तान के लिए कश्मीर इतना क्यों इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए कश्मीर क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखो कश्मीर तो शुरू से इंडिया का रहा है तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट तो कुछ रहना आ रहा है नहीं, लेकिन पाकिस्तान के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो जियो स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो यहाँ पर लोकेशन वाइज देखा जाए तो यहाँ पर वाटर और पावर के लोग यहाँ बहुत ज़्यादा हो सकता है क्योंकि पानी वहाँ से बहुत ज़्यादा है, वहाँ बड़े बड़े डैम पावर प्लांट बनाए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसी के चलते यहाँ पर पाकिस्तान दिक्कत रहता है और इंडिया के बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं कश्मीर के अंदर, जैसा कि मैंने इसके ऊपर पहले वीडियो बनाया था जो पाकिस्तान यहाँ पर कश्मीर को ऑक्युपाइड किया ना और 30% जगह ऑक्युपाइड किया, 10% यहाँ पर जो है चाइना ने किया और 60% जो लैंड है ना इंडिया के पास अभी भी है। लेकिन यहाँ पर जो बाकी है ना वो सब बहुत ही डिफिकल्ट एरिया में थे लेकिन वो भी इंडिया का पढ़ा था लेकिन किसी कारण से वहाँ पर हत्या गया, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। तो यहाँ मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पाकिस्तान ने कितना परसेंट यहाँ पर जो इंडिया का पार्ट है या पाकिस्तान का जो कश्मीर है वो हत्या हुआ है। तो देखो यहाँ पर 60% तो इंडिया के पास है, 30% पाकिस्तान के पास है, लेकिन जो यहाँ पर डिवाइड किया 1947 से जब देखा जाए तो यहाँ बहुत ही कमाल की चीज़ें नहीं थी, लेकिन यहाँ आज़ाद कश्मीर और गिलगित ना वो दोनों को डिवाइड किया दो भागों में। तो इंडिया क्यों नहीं डिवाइड कर सकता, जब तुम डिवाइड कर सकते हो तुम्हारा जो नहीं है तुम उस पर हक जता रहे हो तो यहाँ पर हम भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि इस मैप में देख सकते हो तो यहां पर दिखाया गया कि जो रेड पार्ट है ना वो इंडिया कंट्रोल जो है वो इंडिया के कंट्रोल में है और जो ग्रीन वाला ये है सो अपना पार्ट है। तो अब देख सकते हो तो कैसा है, तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन, आप क्या सोचते हो, आपका क्या कमेंट है आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। सो यू होप कि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह के कमाल के एनालिसिस वीडियो लाता रहता हूं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, जय हिंद, वंदे मातरम।